भाई दरवाजे क्यों तोड़ रहा है? है अम्मी भी जा रही है भाई साथ, पता नहीं बंदे को आधी रात को दौरा क्या पड़ गया। क्या चिल्ला रहे हो गली में खड़े हो? देखो जा रहे हैं छोड़ के, बंदे की हो गई है आधी रात को तबीयत खराब, रात के बज रहे हैं। मोबाइल पे देख ले। अच्छा टाइम का सही से कंफर्म पता नहीं है। चल यार। नहीं नहीं किधर चल रहे इस टाइम यार? तू भी यार निकल हट जाए। नहीं नहीं किधर चल रहे हो? जहाँ भी जाना है ना फिर अम्मी को भी लेके जाओ। चलो ठीक है, सही है। हाँ सही है ना? ओके अम्मी तैयार हो जाओ। चले भाई दरवाजे क्यों तोड़ रहा है? है मेरी चादर ले आ। अम्मी भी जा रही है भाई साथ, पता नहीं बंदे को आधी रात को दौरा क्या पड़ गया। क्या चिल्ला रहे हो गली में खड़े होके? बताना नहीं। देखो जा रही है छोड़ के। हाँ बेटी पता नहीं अभी तो बैठे हैं सच्चे, हमने कुछ कहा भी नहीं है। हाँ। मसला यार समझ हो बाहर है, बंदा नाराज हो गया टोड़ गया मेनू पंजाबो का देरी बुलाया जो बंदा निकल गया। ठंड लग रही है यार। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕਦਮ। ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਵੋ? ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਮਝੋ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਮੈਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਜੋ ਬੋਲਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਐਸਾ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਵੈਸੇ ਉੰਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਤਾ ਮੈਨੇ ਜਬ ਬੋਲਾ ਕਿ ਦਿਖਾ। ਹਾਂ ਤੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਦੇਖ, ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਦਿਖਾ ਨਾ ਤੋ ਦਿਖਾਤਾ ਫਿਰ है के नहीं? वही गाल लेना के भी बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या मसला क्या नहीं भाई। भी देखो आगे क्या बनता है। हाँ जी तो हम लोग सो रहे थे बड़े आराम से, नीचे से उसने आवाजें दी हमें कि भाई दरवाजा वो क्या करो भाई, नीचे आओ नीचे आओ। हाँ नीचे आओ। बात पापा ने कहा क्या हो गया क्या हो गया बताई, रात तब नीचे गए तब बात बताई। क्या बात बताई? बताया कुछ भी नहीं है। अंजलि बताएगी बेटा क्या बात बताई? आप बताओ। नहीं आप बताओ ना, आपको जो सच पता है सच बताओ। चाची ने कहा, मैंने चाची को कहा मैं चीनी लेने जा, चाची फिर कहते हैं फिर चाची कहती है चाची फिर कहते हैं कि ना मुंह पे नहीं चल रहा, मुंह पे नहीं चल रहा। भूल गई है। हाँ भूल गई है। ठीक है बात ये हो रही। चाची कहता है मम्मा के बारे में ना, चाची चाची चुलगुलिया लगा रही है। ये बात हो गया कि शहजाद कह रहा था कि समैरा जो है ना वो मेरे खिलाफ बातें कर रही थी मेरे साथ है। तो वो हमें बताना चाह रहा था कि भाई भाभी नीचे आओ तो मैं आपको बताता कि आपके बारे में क्या बातें करती है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, ऐसे उसने कुछ बोला नहीं कि तो कहता आपने वीडियो में बोला है कि समैरा मेरे साथ बदतमीजी कर रही है हमारी वीडियो में। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं था बोला, बस मैंने बोला हमारे लिए नाश्ता नहीं बनाती, तो वो वाकई में नहीं बनाती है। हाँ। तो वैसे एक मसलन के वो तो मैं आपको पता है मजाक करता हूँ, हर किसी के साथ ही करता हूँ, मैं किसके साथ मजाक नहीं करता आप ये बताओ। हंसते रहते ठीक है। वैसे ही मैंने सोनिया को रोज, सोनिया खुद ही बनाती है नाश्ता अपने लिए, कौन बनाता है? अंजलि आवाज बंद करो, सुबह नाश्ता कौन बनाता है? हमारे लिए अपने, मैं खुद बनाती हूं अपने लिए। और ये जो मतलब बच्चे लेट उठते हैं जोया के लिए वो बना देती है, जोया जल्दी उठ जाती है ना अम्मी अम्मी के साथ सोती है। और जो बच्चे लेट उठते हैं हाँ, और मेरे और सोनिया के लिए सोनिया खुद ही बनाती है नाश्ता। तो आज हमने सोचा चलो बाहर जाते हैं नाश्ता करते हैं और व्लॉग भी बना लेते हैं। तो मैंने ये सोचा था, तो बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी ये। बाकी उसको पता नहीं किसने भड़का के, किसने उसका जहन भर के, को किसने उसको उल्टी सीधी बातों पे लगा के घर पे भेजा था। वो घर पे आया रात को एक बजे आया ना। हाँ। रात को एक बजे वो जब आया है घर पे, तो फिर आते ही उसने बोला है कि पहले खाना वाना खाया सुकून से, फिर सुमैरा को उसने कोई ऐसी बात हुई नहीं ना। हम आपको पता मैं तो कुछ बोलती, अगर वो नहीं भी बनाती तो मैं कहती चलो खैर मैं बना लेती ना। बिट्टी तो कुछ बोलती नहीं, आपको खुद ही पता है बिट्टी मतलब ना ज्यादा बोलती है ना ज्यादा वो करती है, मतलब कि इस बात को सीरियस नहीं लेती। इसको पता है घर पे है, हंस रहे हैं खेल रहे हैं मजाक कर रहे हैं और क्या, यही कुछ है। क्योंकि बिट्टी को हो गए हमारी फैमिली में तकरीबन 8-9 साल,
और इसको हमारी सबकी आदतों का पता है अच्छी तरह, ठीक है, ऐसे ही है ना बिट्टी जी? हाँ। तो इनको पता है कि मजाक वजाक करते हैं हम, बिट्टी के साथ मैं बहुत मजाक करता हूँ लेकिन ये है बिट्टी के साथ मैं ज्यादा कैमरे में भी करता हूँ लेकिन कैमरे में थोड़ा सा कम करता हूँ, लेकिन करता बिट्टी के साथ भी बहुत मजाक हूँ है जी। हाँ ऐसी बात है। हाँ तो बस ये है कि सुमेरा के साथ मजाक वजाक था और कुछ नहीं था, तो ठीक है। बाकी ये है कि वो सुमेरा को भी पता है, वो वक्ती तौर तो गुस्सा करती है बाद में वैसे। मैं उसको समझाती, मैं बोलती तुम्हारे बड़े भाई भी लगते हैं, जेठ भी, चलो कोई बात नहीं अगर मजाक कर लेता है तो, मैं उसको मना करती हूँ, अगर वो बर्दाश्त नहीं करती तो आप नहीं किया करो उसके साथ। चलें जी ये बात तो एक अलहदा रहेगी, सुमेरा तो ठीक थी, वो बाद में हम लोग बैठे रहे, वो ऊपर आके भी बैठी रही, फिर उसको ऊपर लाया, ठीक है, बोलता है माफी मांगो, उसने बोल दिया सॉरी, हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वैसे सॉरी की कोई बात नहीं थी, उसको सॉरी बोलना भी नहीं चाहिए था, हमें भी अच्छा भी नहीं लगा ना कि वो हमें सॉरी बोल रहा है, फिर फौरन बोलता है कि इनके पैर पकड़ के सॉरी बोलो हमारे दोनों के। मैंने बोला क्यों भाई, कौन सी बात हो गई? बोलता है तुमने वीडियो में बोला है कि सुमेरा ने हमसे बदतमीजी की है, ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने बोला दिखाओ वीडियो, तो फिर उसने वीडियो भी नहीं दिखाई, फिर आया फिर बोलता है मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया, मेरा सर दुखने लग गया, ऐसे कह रहा था, बस उसने बोला कि मैं जा, मैंने उसको अम्मी ने भी रोका, फिर ये बात उसकी मेरे को जरा भी पसंद नहीं आई। चलो बेगम को तो परेशान कर रहा था लेकिन उसने माँ को भी, मेरी माँ को भी परेशान किया, अपनी माँ को भी आधी रात को वो सर्दी में मोटरसाइकिल रुका भी नहीं है और मोटरसाइकिल पे बिठा के सर्दी में ले गया। उस बंदे को अपनी माँ का एहसास नहीं आया, ये जो बात मुझे, माँ का एहसास नहीं करेगा वो किसी का भी नहीं सका, वो अपनी वाइफ को नहीं सका, उसको सर्दी में लेगा ना कोई बात ना चीत, कोई बात होती तो बंदा बोलता। हाँ चलो बंदा सबर कर लेता है, यार मैं सुबह ले जाऊंगा, ठीक है सर्दी है अभी है अपना, मैं अपना एहसास नहीं करता तो अपने बच्चों का लाजमी करता हूँ, ठीक है, अगर मतलब के अपना नहीं करता तो अपनी माँ का मैं एहसास लाजमी करता हूँ, लेकिन मेरे को उसकी बात ये जरा भी पसंद नहीं आई। मम्मी को बैठा के ले गया, चलो साथ वहाँ पे जाके, वहाँ पे मारिया बाजी के घर पे बोलता है वो अंदर पर्स रह गया, वो पर्स अंदर से लेना, जैसे ही मम्मी वो पर्स लेने गई तो भाग गया मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था। अब बोलता मैंने अलग होना, मम्मी को बताया, कहता मैंने अलग होना, मैंने घर अलग लेना, ये महीना वर्षों के पहले की बात है, मैंने घर लेना पता नहीं क्या बात है, मैं जब से यकीन करो मैं जब से इस घर पे, मैंने कभी अलग होने का नहीं सोचा, लेकिन अभी हमने घर वहाँ पे ले लिया, वो भी बच्चों की वजह से लिया। वैसे फिर भी हम तो नहीं अलग हो रहे, हम तो बोल रहे हैं अम्मी और अब्बू को चलो हमारे साथ, ठीक है, दूसरों को भी बोल रहे हैं चलो अगर ऊपर घर बना के जा सकते हो ना, अगर अभी हो जा रहा था ना तो जाने बोला, अगर तुमने जाना तो वो तो यही इसलिए कह रहा, कहता आप अम्मी को भी साथ ले जाओ, अगर तुम जा रहे हो घर छोड़ के तो अम्मी को वहीं पे छोड़ेगा, क्योंकि माँ बाप को हर कोई नहीं रख सकता, ये मैं सही कह रही हूँ। अभी मैंने देखो वीडियो में ही बोला, मैंने बोला अम्मी समझदार है, साथ होगी, आधी रात को कहाँ नहीं आएंगे, पता तो होगा ना, अम्मी बता देगी किसी के फोन से, हमें फोन करके कि कहाँ पे है, अभी पता नहीं बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, कुछ भी पता नहीं, अम्मी परेशान है। देखो जी मैं बोलता हूँ दूसरों को परेशान मत करो, आज तक बिट्टी से कोई मैंने ऐसा प्रैंक भी नहीं किया, क्या नहीं बिट्टी, कि ये परेशान नहीं हो, अम्मी लोग परेशान नहीं हो, बिल्कुल ऐसा ही ना, कुछ जिंदगी इंसान अपने लिए जीता है, कुछ जिंदगी अपने बच्चों के बेगम के लिए, ठीक है। अभी मैं जो ना, मैं सही बताऊं अपने शौक, वैसे तो बिट्टी के सर पे माशाल्लाह सारे पूरे करता हूं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो जिनको मैं कुर्बान कर देता हूं अपने बच्चों के सर से, अपनी बेगम के, अपनी माँ बाप के सर से, ठीक है, ऐसा ही होता है ना बेटी, कुछ चीजें होती हैं जो किसी के लिए करनी पड़ती है, इंसान का अपना शौक हो नहीं हो, नहीं हो तो अगर जैसे मुझे कुछ ऐसी चीज हो मुझे नहीं पसंद तो मैं उसको बोलती जान रही आप नहीं करोगे, तो वो नहीं करता, भले उसका दिल नहीं करे लेकिन हमारे लिए उसको करना पड़ता, लेकिन वो बंदा ये है ना अपनी माँ की सुनता ना अपनी बेगम की सुनता है, बस ये उसकी आदत बहुत बुरी है। चलो हमने सोचा था नहीं, वैसे तो मतलब के चलता ही रहता है जो सही था, लेकिन आज जो उसने किया है ना वो बहुत बुरा किया, मानता नहीं किसी की बात नहीं मानता, जैसे अभी ये बड़ा भाई था अम्मी थी जिसने बोला कि अगर आपने जाना तो सुबह चले जाना, लेकिन उसने बोला मैंने अभी इसी टाइम ही जाना, हमने रुकना ही नहीं है, बस ये बात हुई है, एक मिनट नहीं रुका, गाड़ी निकाली है वो गया अंकल ने पूछा भी नहीं, हाँ कि मैं कहाँ जा,
कम से कम ये बता कि हाँ भी मैं उधर जाना, ये मसला ये मसाइल यहाँ हमारा गुजारा नहीं हो रहा। हालांकि उसके बच्चे भी नहीं है जो बच्चों से मैं लड़ाई करूँ। मेरी तो पहले भी अब भाभी थी बड़ी, वो हम साथ ही रहते, कभी हमारी लड़ाई झगड़ा कभी भी उनके साथ भी नहीं मेरा कभी हुआ, आज तक नहीं हुआ। मेरे माशाल्लाह चार बच्चे हो गए ना, मैं कभी बच्चों से लड़ी ना खाने पीने से ना किसी चीज से नहीं, क्योंकि मेरी ऐसी आदत नहीं। मैं बस ऐसे चुप कर जाती, मैं बात नहीं करती, मैं कहती चलो कोई बात नहीं, वो करते तो कर रहे अपने मुँह से कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी जो हरकत शहजाद ने की वो सही नहीं किया। आप भी कमेंट से बताना। हाँ, वीडियो इसलिए हमने बनाई है कि कुछ लोग बोलेंगे पता नहीं आपने जान पूछ के, क्योंकि जान ने वीडियो बनाई उसको रोकने की, अम्मी भी रोक रही थी, हम सब उसको बोल रहे थे नहीं जाओ, लेकिन उसने सुना ही नहीं है ना कुछ बताए, बिना बताए वो गया। देखो फैमिली अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, देखो जो भी सुबह होगा तो आपको वो सुबह पता चलेगा, अभी तो वो चला गया। से वीडियो बनाई है और वीडियो भी बना रहा था, तो वीडियो का उसका पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं, अभी उसने अपलोड नहीं की। ठीक है, तो मेरी वीडियो तो आप शायद देख ही रहे हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो भी अपडेट होगी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। ओके, हम भी आराम करते हैं, क्योंकि हम किसी की खातिर क्यों अपना सुकून बर्बाद करें। वो बंदा अपने पैर पे जब खुद को लाड़ी मार के गया। हाँ, देखो अभी इसको यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं, कुछ भी हम नहीं। तो सो जाएंगे सुकून से अभी यहाँ पे सो जाएंगे, लेकिन टेंशन है अम्मी की। अम्मी नीचे अम्मी है, माँ होती है। अब हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं ना, इसको पाल रहे हैं ना, तो इसको पाल रहे हैं ना, अंजलि को पाल रहे हैं, जोया को पाल रहे हैं, हमें समझ आती है कि हमारे माँ बाप ने कैसे हमें पाला। ठीक है, एहसास होता है हर किसी का माँ बाप। हाँ, जब भी हम इनकी तकलीफ होती है ना, तो हमें फौरन अपने माँ बाप की याद आ जाती है कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला। ठीक है, बाकी वो तो बेवकूफ है, खुदा उसको अकल और हिदायत दे और आप लोग भी उसको समझाए। हाँ, कैसा नहीं होता अभी वो पता नहीं क्या बातें बनाता क्या नहीं बनाता, ये तो नहीं बेहतर जाना। हाँ, अभी तो वो वीडियो डालेगा, उसके बाद पता चलेगा, हम भी देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और शहजाद और सुमैरा को दुआओं में खूब सारा याद रखिएगा, कि खुदा जहाँ भी रहें खुश रहें, खुदा उनकी हिफाजत करे। और मैं तो कहता हूँ घर पे ही आ जाए, हमारा यही साल है, फिर इंशाल्लाह हमने चले जाना है नए घर पे। ठीक है, हमेशा भाई बहन हमेशा साथ था, हमेशा कोई भी नहीं रहता। ठीक है, अभी मेरी अम्मी है वो अकेली कराची में रहती है, बाकी सारे उसके बहन भाई उधर ही रहते हैं, जैसे मेरे पंजाबी रहते हैं। हाँ, हमेशा कोई साथ थोड़ी रहता है, ये तो कुदरत का कानून है ना, ये मैं और आप नहीं जुदा करते, ये कुदरत का एक कानून सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड नाइट।